तो आज हम बात करेंगे G20 कंट्रीज़ के बारे में। सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं वर्ल्ड के, उसमें कुछ उस कंट्रीज़ पाई जाती हैं। आई एम टेलिंग यू कि अगर बात करें हम एशियन कॉन्टिनेंट की, तो इसमें अराउंड 8 कंट्रीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, देन ये चाइना हो गया, देन फिर रशिया हो गया ऊपर वाला, देन इस साइड में हम लोग देखते हैं तो इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, फिर साउथ कोरिया हो गया, ये जापान हो गया। इतनी कंट्रीज़ हो गई एशिया से। और वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, लाइक तुर्की हो गया, और देन सऊदी अरेबिया हो गया, ये वेस्ट एशिया से हो गया। तो 8 कंट्रीज़ आर फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री है, ठीक है। फिर देखते हैं यूरोप का। यूरोप की अगर बात करें तो उसमें ये जो फ्रांस है, जर्मनी है फ्रांस के बगल में, देन यूके है इस साइड में ऊपर, ये यूके। उसके बाद में इटली है ये जो नीचे की तरफ, और जो ईयू कंट्रीज़ हैं पोलैंड और ये सब जो मिलके बनाती है ना डेनमार्क वगैरह, वो सब ईयू कंट्रीज़ हैं। देन हम लोग बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो उसमें कनाडा है, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। देन बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे ब्राज़ील है, देन अर्जेंटीना है, दो कंट्रीज़ हैं। तो इस टाइप से वी डिड ऑल 20 कंट्री ऑफ द G20 मेंबर्स।